कि मुझ पर यूं ना तरस खाओ तुम, कि मुझ पर यूं ना तरस खाओ तुम, मेरे मान को यूं ना घटाओ तुम, और मैं भारत माँ का वीर पुत्र हूँ, मेरी शहादत पर यूं ना आंसू बहाओ तुम, कि फौलाद था सीना मेरी माँ का, जो पाल पोस कर मुझे सीमा पर लड़ने भेजा था, अपने सुख और आराम के दिनों को भी उसने मेरी फ़र्ज की माटी में सींचा था, और उसने अपना सुख चैन रातों की नींद सब मेरी सलामती की दुआ में खोई थी, और आज देखा जब मुझे तिरंगे में लिपटा तो वो रोई नहीं, फक्र और चैन की नींद सोई थी, कि मेरी विधवा चौखट पर बैठी थी, कई दिन से उसने ना कुछ खाया था, मेरी विधवा चौखट पर बैठी थी, कई दिन से उसने ना कुछ खाया था, 5 माह का था गर्भाशय, फरमान मुझे जब आया था, जंग छिड़ी थी सीमा पर, ये बात बता ना पाया था, और लौट तिरंगे में मैं आज उसके सम्मुख आया था, पर इस पर भी उस शत्राणी ने हिम्मत इतनी बांधी थी, उठा पुत्र को गोद में उसने मुखाग्नि की ठानी थी, नहीं वो नहीं थी कोई पत्थर दिल, वो नहीं थी कोई पत्थर दिल, बस उसने शहादत का मेरी सम्मान किया, और मैं निर्भय होकर लड़ा दुश्मन से, यही बात जान उसने 16 श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया। अब अंतिम 4 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए जो हमारे देश की सेना की कार्यकुशलता पर प्रश्न उठाते हैं और उसकी वफादारी पर प्रश्न करते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ। कि हुंकारों से आपकी ये धरती अंबर डोलना चाहिए, कि हुंकारों से आपकी ये धरती अंबर डोलना चाहिए, खून का कतरा कतरा इनकलाब बोलना चाहिए, और कसम है, हाँ कसम है सीमा पर शहीद हुए हर एक शहीद की, कसम है सीमा पर शहीद हुए हर एक शहीद की, जिन्होंने उठाया है सवाल सेना की वफादारी पर, उन गद्दारों के घरों पर एक ज़ोरदार विस्फोट होना चाहिए, विस्फोट होना चाहिए।